भी नहीं देती। चल के मैंने जब उसे हाथ लगाया ना तो पलटी और उसकी शक्ल ना बिल्कुल मेरी जैसी थी माँ। उसके सर पे बाल नहीं थे। मैं डर के उठ गई और मैंने देखा ना तो मेरे बाल भी झड़ रहे थे माँ। तू बिल्कुल घबरा मत, वो एक सपना था, वहाँ पर कोई नहीं है। तू मेरी बात ध्यान से सुन, तू अपनी पार्लर वाली कामिनी जी से बात कर। तू बता रही थी ना कि वो सबका इलाज करती है, तो तेरा इलाज, तेरी मदद जरूर करेंगी वो। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तू सुन रही है ना? हाँ माँ, मैं कल जाके उनसे बात